ठेकेदार ने नहीं सुनी तो ट्रैफिक पुलिस ने जब्त की जेसीबी। लोग बोले ठीक किया ट्रैफिक पुलिस ने। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में जलदाय विभाग के पाइपलाइन खुदाई का काम हो या सीवर लाइन का, संबंधित ठेकेदारों द्वारा किसी प्रकार के नियमों की पालना नहीं की जा रही। यहां तक कि नागरिकों को होने वाली समस्या पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में लगातार सड़कों को बेतरतीब खोदा जा रहा है, जिससे हो रहे गड्ढों की भी कोई मरम्मत नहीं की जा रही, जिसे लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं और यातायात अवरुद्ध हो रहा है। इसी को लेकर बाड़ी शहर की यातायात पुलिस द्वारा पिछले दो दिन से जेसीबी चालक और संबंधित कर्मचारियों से लगातार समझाइश की जा रही थी कि वह शहर की मुख्य सड़कों पर दिन में काम नहीं करें। जो भी सड़क से संबंधित काम है रात में यातायात का लोड कम होने पर किया जाए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर आज रविवार ट्रैफिक पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर चौकी पर रख दिया और एमबी एक्ट कार्रवाई कर दी। बाड़ी शहर के ट्रैफिक इंचार्ज किलेदार सिंह ने बताया कि शहर के धौलपुर रोड गर्ग पेट्रोल पंप के पास पिछले तीन दिन से दिन में जेसीबी द्वारा मुख्य सड़क के बीचों बीच खुदाई का काम किया जा रहा है। काम के दौरान पाइप डालने के बाद ना तो गड्ढों को बंद किया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार के नियमों की पालना की जा रही। ऐसे में जेसीबी चालक सहित अन्य कार्मिकों के दो दिन से समझाइश की जा रही थी कि वह यातायात को डिस्टर्ब ना करे, नागरिकों को हो रही परेशानी के चलते काम रात में किया जाए, लेकिन जेसीबी चालक और अन्य कार्मिकों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में आज ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के तहत एमबी एक्ट में जेसीबी को जब्त किया है और चालक सहित संबंधित कंपनी के संवेदक को नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। बाड़ी शहर के नागरिक जितेंद्र चौहान, सत्यम बंसल, दिलीप सिंह, राज बहादुर सहित अन्य नागरिकों ने बताया कि शहर में सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइन का काम चल रहा है, जिससे कहीं पर भी किसी नियम की पालना नहीं हो रही है। आम नागरिक लगातार शिकायत कर रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। दिन में खुदाई से सभी परेशान हैं, यातायात डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज ट्रैफिक पुलिस ने जो कार्य किया है वह बेहद सराहनीय है। ऐसे में उच्च अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। दो तीन दिन से पेट्रोल पंप के पास रोड को खोद रही थी दिन में। मैं उसको बार बार समझाने के बाद दूध भी नहीं मान रहा था। मैंने उसको बोला भाई के रात में काम कर लिया करो, काम करने के बाद गड्ढे को रवेट दिया करो। और आए दिन यहाँ जाम की स्थिति रहती है, क्योंकि जेसीबी काम करती रहती है तो यहाँ जाम लग जाता है, आने जाने वालों को दिक्कत आती है, मोटरसाइकिल वगैरह गिर जाती है उसमें। तो आज मैं जेसीबी को ला करके जब्त कर लिया 207 में और गाड़ी मैंने बहुत वाली खड़ी कर।